नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट अड्डा में। वीकेंड स्पेशल है और ऐसा लग रहा है मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक है, मार्केट में सब चंगा से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हर तरफ आप देखें, चाहे भारत के बाजार देखें, चाहे अमेरिका के बाजार को देखें या दूसरे और यूरोपियन मार्केट को देखें, चिंता के जो बादल लगे हुए थे अब वो छट गए हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। क्योंकि अगर किसी दिन गलती से करेक्शन आया तो उसके नेक्स्ट डे बड़ी तेज़ रिकवरी होती है। तो इससे ये लगता है कि मार्केट में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई मुश्किल है नहीं। अक्सर लोग कहते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा है, कंसेंसस बन जाता है, तो वहीं पे मार्केट में एक फॉल आती है। लेकिन ये स्थिति पिछले बहुत दिनों से बनी हुई है, इस बार ये जिंक्स भी टूटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि सब कुछ बहुत दिन से अच्छा है और कहीं किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही है कि मार्केट को शॉर्ट कर सके। तो इस पहेली को समझेंगे और क्या ये थ्योरी कि मार्केट में सब चंगा सी ठीक है। जैसे बहुत सारी जो बाज़ार की चिंताएं हैं, अगर आप उसको देखें तो बाज़ार ने मान लिया है कि वो सब ठीक हो गए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको कुछ चीज़ें याद दिलाता हूं कि मार्केट ये मानकर चल रहा है कि 2024 में मोदी जी ही चुनाव जीतेंगे, ये डिस्काउंट कर लिया है मार्केट ने, और आज विधानसभा चुनाव के बाद तो बिल्कुल मान लिया है उसने। 2024 में फेड ब्याज दरें काटेगा ही काटेगा, कम से कम 1% और उससे ज़्यादा भी काट सकता है, ये भी बाजार ने मान लिया है। SIP में जो इतनी ज़बरदस्त आवक है, 17,500-18,000 करोड़ की बढ़ती जा रही है, वो चलती रहेगी। 50,00,000 करोड़ का हो चुका है AUM, वो चलता रहेगा, मार्केट ने इसको भी मान लिया है। के शेप की बहुत शॉपिंग हो रही थी, महंगी गाड़ियाँ, महंगे घर, महंगे कपड़े, ये सब चीज़ें बिक रहे थे, मार्केट ने ये माना। इसके साथ साथ मार्केट ने ये भी मान लिया कि अब रूरल रिकवरी भी हो गई। आप देखिए, और टू व्हीलर्स की सेल्स आने लगी और रूरल इलाकों में जो कंजम्पशन था वो बढ़ने लगा, ये भी मार्केट ने मान लिया है। और मार्केट ये भी मान के चल रहा है कि PSU शेयर्स ही लीडर हैं, 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो गए हैं, रेलवे स्टॉक 10-10 गुना भी हो गए हैं, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये जिंक्स, ये सिलसिला इस बार ऐसा लग रहा है कि टूट रहा है, बहुत लंबे समय से ये सिचुएशन बनी हुई है। तो क्या मार्केट में सब कुछ ठीक है, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। और लास्ट वीक में एक जो बीच में जर्क आया था वो क्या था, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान परिचय कराया था वो सुदीप बंदोपाध्याय जी हमारे साथ हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़्यादा परिचय की जरूरत नहीं, सब लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। अनुराग सिंह अमेरिका से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एनसेट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं। और अनुराग जी अब बुल वाले कैटेगरी में आ गए, हमारे साथ हो गए हैं। जसप्रीत सिंह अरोड़ा जी हैं, CIO रिसर्च एंड रैंकिंग के। जसप्रीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पंकज जैन जी दिल्ली से, दिल्ली के भी हम लोग हालचाल पूछ रहे थे बीच शो के बीच में, थोड़ा मज़े लेंगे हम उनके कि दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदीप सर, सब कुछ ठीक ठाक है ना, कुछ गड़बड़ दिख रहा है आपको क्या? मोटा मोटी सब कुछ ठीक ठाक है निरजीत, दो तीन चीजों में है जो मैं बहुत दिन से बोल रहा था। एक तो डिफेंस स्टॉक्स और दूसरे रेलवे स्टॉक्स। मैं गड़बड़ नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा रन अप हो गया है। मैं एक स्टॉक का मैं जिक्र करना चाहूंगा, मजगांव डॉक, ये मेरा पसंदीदा शेयर था। जब IPO आया था तब से मैं ये इन्वेस्टर्स को रेकमेंड कर रहा था, 500 रुपए में, 600 रुपए में, 700 में, 800 में मैं करता गया रेकमेंड। और वो शेयर चलते चलते 2000 क्रॉस कर गया। अब 2000 के बाद भी निवेशक जब पूछते हैं कि यहाँ पे निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं तो निवेशक को यही सलाह दे रहा हूं कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कंपनी में कोई बुराई नहीं है, तगड़ा ऑर्डर बुक है, तगड़ा ऑर्डर्स मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी उम्मीद यह है कि परफॉर्म बहुत अच्छा करेगा। पर एक बहुत बड़ा चीज, मतलब इशू मार्केट शायद मिस कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मिलना, और ये डिफेंस कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इनका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना और वो प्रॉफिट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना, इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कल सुबह और या अगले क्वार्टर में प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट दिख जाएगा। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट आता गया शेयर प्राइस बढ़ता गया, पर ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन का बहुत लंबा टाइम होता है। और अब जो वैल्यूएशन पे बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स, बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स पहुंच गए हैं जहां पे कुछ हद तक अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन है, तो मैं वहां पे निवेशक को सतर्क करना चाहूंगा। पर PSU की अगर बात करें, वहां पे अभी बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, हम लोगों को तो लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में अभी भी खास रैली आया नहीं है और वहां पे एक अपॉर्चुनिटी है। तो पॉकेट, मैं ये कहूंगा कि पॉकेट्स में मार्केट फुल्ली प्राइस लग रहा है, कुछ हद तक ओवर प्राइस भी आप कह सकते हैं,
पर बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे अभी भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप एफएमसीजी देखिए, कुछ हुआ ही नहीं। आप केमिकल्स देखिए, बॉम्ब्ड आउट सेक्टर है, कुछ नहीं हो रहा है। आप आईटी देखिए, तो ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं। तो ओवरऑल मार्केट की अगर बात करें, मुझे तो ये लगता है कि 2024 में भी मार्केट ठीक ठाक रहेगा। 23 जैसा रैली शायद ना दिखने को मिले, पर अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। हाँ, कुछ सेक्टर में करेक्शन जरूर आएगा और वो शायद मार्केट के हेल्थ के लिए जरूरी भी है। सुदीप सर, बीच में हफ्ते के बीच में आपको याद होगा एक दिन अचानक से कुछ लोग आए और बिकवाली करके चले, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे थे क्या? अगले दिन उनको मुंहतोड़ जवाब मिला, क्या हुआ था उस दिन? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि 2500 पॉइंट निफ्टी बड़ा था पिछले कुछ हफ्तों में, और उसमें से मतलब वो कितना होता है, 5% प्लस हो गया था, बढ़ गया। और उसमें 100% अगर गिर भी जाए एक दिन, तो वो तो मार्केट के हेल्थ के लिए अच्छा है। कंसोलिडेशन हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, बीच बीच में होना चाहिए। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे तो लगता है ऐसे थोड़ा बहुत करेक्शन, कंसोलिडेशन ऐसा करते करते अपवर्ड मूवमेंट मार्केट का होता रहेगा, और ये अच्छी बात है। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। तो डराने की जो कोशिश कर रहे थे, मज़ा डरने वाला नहीं। अनुराग जी, आपके यहाँ वाटर टेस्टिंग बीच में लोग करते रहते हैं क्या कि चलो अच्छा देखते हैं एक बार सेल करके, है ना? जिस दिन भारत में बाजार गिरे उस दिन, मतलब आप देखिए कितनी मज़ेदार बात थी। आप सब लोगों को याद होगा कि दोपहर 2 बजे, 1:30 बजे के बाद से भारतीय बाजारों में बहुत तेज़ सेल ऑफ हुआ। यूएस के मार्केट उस समय ठीक ठाक थे, वहाँ जब मार्केट ओपन हुआ तो वो एकदम बढ़िया चल रहे थे, वहाँ भी दोपहर के बाद। तो ये क्या सिंक्रोनाइजेशन था कि वहाँ भी 2 बजे के बाद ही गिरेंगे हम? कोई कोई था क्या जो टेस्टिंग कर तो रहा था? और अगले दिन सब फिर वैसे ही हो गया, क्या था अनुराग जी? अच्छा नीरज जी, एक दिन की सेलिंग तो समझाना बहुत मुश्किल है, बट तकरीबन ये एक ट्रेंड जरूर है कि जो प्रोफेशनल फंड्स हैं वो 2 से 3 बजे के बीच में, और या कहें 3 से 4 अगर ईस्टर्न टाइम है, तो वो लास्ट के 1 घंटे में ट्रेड करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो मार्केट का जो एक ट्रेंड मूव आता है वो लास्ट के 1 घंटे में आता है, एटलीस्ट यूएस मार्केट्स में मैंने यही देखा है। हाँ, वो एक दिन बेच के अगले दिन क्यों खरीदा, आई थिंक इसका तो नजरिया यही हो सकता है लिमिटेड वे में नीरज, के लॉट ऑफ टाइम्स ये जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, और ये आप जैन में भी देखेंगे कि जैन में बाजार में यहाँ पर सेक्टोरल चर्न होता है, सेक्टोरल टर्न आता है, वो फिर चलता है पूरे साल। तो वो पेंशन फंड्स जो होते हैं वो एक लॉन्ग टर्म व्यू देते हैं, वो सेक्टोरल व्यू लेते हैं, और वो ईयर एंड में कुछ सेक्टर से प्रॉफिट बुक करते हैं, कहीं पे एक जिसको लॉस बुकिंग बोलते हैं वो भी बोलते हैं, क्योंकि साल में टैक्स को आपको एडजस्ट करना होता है, वो तकरीबन 20 दिसंबर तक आ जाता है। तो एक वही 2-3 कारण है जिससे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बहरहाल, बट इसमें कोई मार्केट के लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं है। और मतलब नीरज, एक ध्यान आ रही है बात, 2008 में ना चक प्रिंस थे सिटी बैंक के सीईओ, एंड सिटी बैंक उस समय सबसे बड़ा बैंक हुआ करता था। तो उनसे पूछा था किसी ने कि यार ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, क्या आपको दिखा नहीं मॉर्गेज मार्केट में इतना बड़ा बबल बन रहा है एंड यू कुड सी इट? तो बड़ा फेमसली उन्होंने कहा था कि देखिए, जब यू नो व्हेन द म्यूजिक इज अप यू नो यू गॉट टू गेट अप एंड डांस। तो जब तक म्यूजिक चल रहा है नीरज जी, डांस करना पड़ेगा। तो हम भी कर रहे हैं, बट यू नो मेक नो मिस्टेक, दिस इज टू गुड, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू फॉर अगर म्यूजिक कब एवरीबडी। बंद होगा इसको प्रेम करना लगभग इम्पॉसिबल है। अब कैसे पता चलेगा कि अचानक से कोई म्यूजिक बंद कर देगा वो? क्योंकि ऐसा थोड़ी था कि पहले वॉल्यूम कम करते 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 अचानक से। एक सवाल क्योंकि और, अब यूएस क्योंकि आप में फेडरल, सॉरी, जी 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 अक्सर हम लोगों ने देखा है कि दिसंबर का महीना, हिस्टोरिकली वो डेटा वेटा निकालते रहते हैं तो ऐसे ही कुछ तफरी वाले डेटे आते हैं, डेटा मिलते हैं हम लोगों को, कि दिसंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं रहता। लेकिन इस बार आपका मार्केट लाइफ हाई के पास खड़ा है, एक स्टेप खाली, 20, 30, 40 पॉइंट, हो सकता है आज वो निकाल भी दे, परसों निकाल दे। लेकिन ये क्या है, मतलब किसी को, जैसे हमारे भारत में लिक्विडिटी के दम पे या स्ट्रक्चरल चेंज हुआ इकॉनमी में उसका, यूएस में भी एकदम मूड बदल गया? अब तो लोग 1.5-2% की रेट कट की बातें कर रहे हैं, एकदम से कैसे चेंज हो गया ये? हाँ, तो एक अच्छा तो अच्छा इस पे मतलब मैं कॉन्स्पिरेसी थियोरी में इंडल्ज नहीं करना चाहता हूँ नीरज जी ज्यादा, लेकिन एक चर्चा के लिए 2 पॉइंट छोड़ देता हूँ। एक तो ये है कि जब हम बुलिश की बात कर रहे थे, तो देखिए लास्ट बेयर ऑन द स्ट्रीट वाज फेडरल रिजर्व, तो वो भी अब बुल हो गए हैं। तो मतलब
तो ये भी एक चिंता की बात है। इसी पर थोड़ी चर्चा शुरू हो गई है कि इलेक्शन ईयर में क्या ये ठीक है इतना एग्रेसिव रेट कट्स करना। और तकरीबन पिछले 20-30 साल में ऐसा ध्यान नहीं आता है कि फेडरल रिजर्व ने, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ से, मैं उनसे बात करता हूँ तो वो बताते हैं कि इलेक्शन ईयर में टिपिकली वो अवॉइड करते हैं रेट कट्स करना, और इतना क्विक 2-3 हफ्ते में स्टैंड, 2-3 महीने में स्टैंड चेंज करना, तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थियोरीज मार्केट में आ रही हैं, बट बहरहाल देखते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि बहुत एग्रेसिव रेट कट्स होंगे। आई थिंक वो 6 वाली बात तो बिल्कुल गलत है, बट हाँ जायज है कि रियल रेट, क्योंकि अब देखिए रेट ऑफ FOMC रेट्स माइनस इन्फ्लेशन, तो रियल रेट्स वो ज्यादा हो जाता है। फेडरल रिजर्व को 2% का उसमें मार्जिन रखना है, तो थोड़ा गुंजाइश है रेट कट्स की। बट दे विल बी वेरी कॉशियस कि इलेक्शन ईयर में दे आर नॉट सीन एज पॉलिटिकल एंड सपोर्टिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा लगता है। नीरज तो ये लेकिन जो भी है माहौल तो बन ही गया है। पंकज जी, भारतीय बाजारों में एक दिन फॉल, फिर उसके बाद उतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी। आईटी का भी जिक्र किया सुदीप सर ने, आईटी के स्टॉक में भी हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग दिन बड़ी जोर की रैली आई। अब पता नहीं, मतलब जैसे टीसीएस जैसे स्टॉक 52 वीक हाई पे खड़े हुए हैं। क्या चल क्या रहा मार्केट में? अंदर अंदर लोग या देख लेते हैं कि ये वाला नहीं चला चलो इसको चलाएं, ये वाला नहीं चला चलो इसको चलाएं, जो जो सस्ता देखिए, क्योंकि पैसा इतना है कि कुछ ना कुछ तो करना है। आज ये चल रहा है क्या? नमस्कार नीरज जी। देखो नीरज जी, आई थिंक मार्केट में जैसा आपने कहा कि क्या सब कुछ चंगा है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है, तो आई थिंक उसमें मैं बोलूंगा कि बाकी सब ठीक ठाक है। जो एक बोलते हैं क्या इन्फ्लेशन एक कंसर्न है, आरबीआई भी बात कर रही थी कि जो इन्फ्लेशन को लेके हमें काफी चिंताएं बरकरार है, बाकी सब ठीक ठाक है। क्या एम्प्लॉयमेंट चलता है, आई थिंक बाकी सब ठीक ठाक है। क्या मोदी जी नेक्स्ट इलेक्शन जीत गए हैं, आई थिंक मार्केट ने मान के चल लिया है कि बम्पर मेजोरिटी से ऑलरेडी इलेक्शन जीत चुके हैं। क्या यूएस में इंटरेस्ट रेट जो 1 से 1.5% का कट, मार्केट जो लास्ट पॉवेल साहब ने कमेंट्री दी ऑलमोस्ट ऐसे डिस्काउंट कर लिया कि इट्स अ डन डील, यूएस में इलेक्शंस हैं। सो आई थिंक मार्केट आने वाले इवेंट्स को काफी हद तक ऑलरेडी डिस्काउंट कर रही है, कर चुकी है, एंड दे बिन राइडिंग ऑन दैट वे। और जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि जिस तरह का अभी हमने 2 दिन पहले फॉल देखा था, आप अभी मित्रगणों से पूछ भी रहे थे क्या वो फॉल कुछ रीजनेबल फॉल था, वेदर इट वॉज अ लॉजिकल फॉर्म। इस तरह के मार्केट में आई थिंक इट इज डिफाइंग लॉजिक एट टाइम्स। और जो एक हमारे को, जैसे हमने तो अपने क्लाइंट्स के साथ भी देखा, आई थिंक वो बहुत शायद चिंता के बादल नहीं थे उस फॉल में भी, एंड पीपल वर स्टिल एग्रेसिवली सर्चिंग फॉर आइडियाज कि कहां पर बड़ा फॉल आ गया, विल डिप्लॉय सम मोर मनी, विल बाय इनटू सेक्टर्स कि जहां पर फॉल आया है। सो शायद एक लॉजिकल रीजन देखने को मिल रहा था कि शायद 21,500 जो निफ्टी ने था, शायद एक एल्गो ट्रिगर आया वहां पर कुछ एक सीरियस प्रॉफिट बुकिंग के लिए, या दिसंबर में जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ एक एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग शायद कुछ फंड्स और एफआईज की तरफ से आ गई हो, दे वांटेड टू पुट इन द मनी एंड प्रॉफिट्स इनटू देयर बास्केट टू गेट एक्स्ट्रा बोनसेस रादर देन स्टे इन द बुक्स। तो सारी चीजें चल रही हैं, सेक्टर रोटेशन चल रही है, बट ऑल इन ऑल आई थिंक मार्केट एक बड़ी सीरियस पॉजिटिव गोल्डिलॉक्स सिनेरियो में, एंड मार्केट जस्ट कैन नॉट सेंस एनीथिंग नेगेटिव कमिंग इनटू द मार्केट फॉर नेक्स्ट 3-4-6 months kind of thing, but I think we got to enjoy the market. जैसा कि अभी मित्रगण बोल रहे थे, अगर म्यूजिक ऑन है तो we got to party, we got to party hard, we got to dance with the party, and we cannot say कि आने वाले वक्त में कोई एक मेजर डेंट आ सकता है। सो आई थिंक एक सब चीजों का समीकरण बना हुआ है, लिक्विडिटी मार्केट में काफी है। सिर्फ एक चीज जो मेरे को लगता है कि पार्टी को और जो एक्सटेंशन दे सकती है, जो कि अभी हमारे को बड़े बिट्स एंड पीसेस में देखने को मिल रही है, एफआईएस की अभी भी तरफ अभी भी एक सीरियस रेगुलर पार्टिसिपेशन नहीं है। हमने देखा था बीच में 2-3 दिन काफी सीरियस मनी फ्लो आया था, बट फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि एग्रेसिव सेलिंग भी देखने को मिली है। सो आई थिंक इट्स बीन काइंड ऑफ अ साइन वेव फ्रॉम एफआईएस, जबकि डोमेस्टिक मनी अभी भी काफी सीरियस आता जा रहा है, ऐसा एसआईपी के फॉर्म में हो, डोमेस्टिक फंड्स के फॉर्म में हो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में हो। सो इन सब चीजों का समीकरण देख के मिले, मेरे को लगता है कि अभी अगले नियर टर्म 2-4 हफ्तों की बात करें, देर इज नो रीजन जो हमें बहुत ज्यादा वरीसम लगना चाहिए। एंड नॉट टू फॉरगेट, दिसंबर में एक फिनोमिना पहले देखने को मिलता था, इस शायद इस साल भी देखने को मिले, एक एनएवी प्रॉपिंग अप जिसे बोलते हैं, और इस बार तो मैं कहूंगा एनएवी प्रॉपिंग अप नहीं, एनएवी मेंटेनेंस ज्यादा होना चाहिए कि जो स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप के हैं
कि उनको एक ईयर एंड में या लास्ट वीक में एक हायर सिटेडल पे ही बन रहे हैं। सो हमारा अभी भी रुझान यही है कि कहां पर पॉकेट ऑफ सेंट मिल रही है, कहां पर ऐसी पॉकेट्स हैंगी जहां पर वैल्यू अभी भी देखने को मिल रही है, और उसमें हमारे को लगता है कि बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है पंकज जी, कंपैरेटिवली वैल्यू ढूंढी जा सकती है, फार्मास्यूटिकल ऐसा क्षेत्र है ना पंकज जी, वैल्यू में तुलनात्मक रूप सॉरी कंपैरेटिवली मतलब रिलेटिव वैल्यू, बिल्कुल बिल्कुल मैंने मैंने एब्सोल्यूट नहीं रिलेटिव वर्ड यूज किया, ऑन अ रिलेटिव बेसिस, ऑन अ रिलेटिव बेसिस बैंकिंग अभी हमारे को ऐसा लगता है कि वहां पर अभी भी वैल्यू देखने को मिल रही है। केमिकल ऐसा स्पेस है जो थोड़ा सा उभर के आ रहा है, वेदर इट एक्सटेंशन आती है नहीं आती है। फार्मास्यूटिकल मेरे को लगता है कि दोबारा से उभर के आ रहा है विद ऑल दिस कोविड टॉक अराउंड, मे बी दैट कुड बी वन स्पेस। बट मार्केट में पैसा है, मार्केट में पैसा बना रहेगा, मार्केट से पैसा बाहर नहीं आ रहा जी। इन स्पाइट ऑफ वी काइंड ऑफ टेलिंग आर क्लाइंट्स की कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, पर मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग के लिए अभी मेंटली लोग तैयार हैं। पैसा बन रहा तो क्यों करें प्रॉफिट बुक। जसप्रीत सर, आप लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि बहुत हो गया निकल लिया जाए, घर से फोन ना आ जाए कहीं, क्या कर क्या रहे हैं आप लोग आजकल? सर ये पार्टी तो यू नो अभी शुरू हुई है, ऐसा भी मान सकते हैं, बट प्रोवाइडेड यू आर दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो यू नो इंडिया के वो 3 to 5 year यू नो नेक्स्ट 3 to 5 year के हिसाब से देख रहे हैं, तो आई अग्री विद माय मतलब फेलो पैनलिस्ट, यू नो थोड़ा थोड़ा कॉशन जरूर बरतने की जरूरत है, डांस फ्लोर पे बने रहे, यू नो प्लीज एंश्योर वी डू नॉट फॉल डाउन, एंड आई एम श्योर म्यूजिक बंद नहीं होगा उतना, आई थिंक उतना कॉन्फिडेंस है, धीमा देर विल बी फेजेज जब धीमा हो जाएगा एंड देर बी फेजेज जब एकदम लाउड हो जाएगा, बट दिस डांस फ्लोर विल रॉक सर फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स फॉर श्योर। उसमें यू नो बहुत कारण है, मतलब इतने एलिट ऑडियंस है और पैनलिस्ट हैं, बट अज्यूमिंग जो यू नो नेक्स्ट गवर्नमेंट हमारी यू नो कॉन्क्रीट आ रही है, मेजोरिटी के साथ आ रही है एंड विद द कंटिन्यूड लीडरशिप एंड गिवन द एज फैक्टर, ये प्रॉब्ली लास्ट टेनर हो सकता है यू नो करंट प्राइम मिनिस्टर का, हमारा जो स्थान है फ्रॉम यू नो फ्रॉम फिफ्थ वी विल मूव टू थर्ड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, एंड जो एक यू नो एक ग्राउंड लेवल पे आई वाज रिसेंटली मैं यू नो कुछ प्लांट विजिट्स पे निकला था नॉर्थ में, यू नो कंपनी से मिलते रहते हैं एसएमई में माइक मिनी स्मॉल मिड स्पेस में, जो ग्राउंड लेवल में एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है, यू नो जो अपॉर्चुनिटी को लेके, और कोई खोना नहीं चाहता, सबको मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, यू नो डिफेंस, एक्सपोर्ट, जहां जहां अपॉर्चुनिटी दिख रही है पीपल मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स उसको एनकैश करना चाह रहे हैं। ओनली मैन्युफैक्चरिंग में अगर बात करें एंड ऐसे सर्विसेज में भी अपॉर्चुनिटीज हैं और ऐसे एक्सपोर्ट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आई थिंक इट इज ऑल एनकंपासिंग, तो इट लुक्स टू बी अ वेरी वेरी यू नो एंटरप्राइजिंग जर्नी, बस यही है कि थोड़ा यू नो रिस्क टॉलरेंस हमारा क्या है एंड यू नो स्मॉल एंड मिड कैप्स माइक्रो कैप्स में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट ना दिखाए। इंसिडेंटली हम लोग कुछ स्टॉक्स ढूंढ रहे थे जो शायद 20-30 पी के नीचे मिल जाए ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस, बट हार्डली कोई मिलता है आज के दिन में, सबके यू नो एवरीवन इज लाइक 25-30-40 पी पे यू नो आ रहे हैं, इनफैक्ट जो आईपीओ भी आते हैं वो भी 40 पे आते हैं और वो डबल होके 80 ट्रेलिंग पी बन जाते हैं रिसेंट केसेस अगर हम देखें तो अगेन देर आर पॉकेट्स जहां जहां थोड़ा सा you know one has to be cautious and by cautious I don't mean they'll tumble but you know sideways consolidation time correction 10-20% range mein rehna bahut normal hai ji sir, so in sense thoda sa one has to be careful। Do baatein badi interesting hui Sudeep sir, ek baat ye kahi gayi abhi ki 20-30 ke p mein mil jaye to bahut achhi baat hai, ab soch rahe dekh rahe sir aap ye badalta market hai, और पंकज जी कह रहे हैं अभी तो पार्टी में वो आए नहीं जिनके दम पे और आगे बढ़ेगी पार्टी, तो मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है सब लोग कभी कभी पार्टी में जाते तो इंतजार करते थे कि बॉस आएंगे तो और जोर से पार्टी मनेगी, तो अभी वो वाला फेज नहीं आया है, और इसका एक अंदाज़ा इस बात से लगाइए ना सीरियस नोट कि SME के IPO में 750 गुना सब्सक्रिप्शन होता है। अनुराग जी सुन रहे हैं आप, आपके अमेरिका में होता है क्या ऐसा, एक SME स्टॉक के IPO को 730 टाइम सब्सक्रिप्शन, ये है हमारे इंडिया के मार्केट की ताकत, और आप देखो कैसे जल्लू एक साथ चल रहा है। सुदीप सर, मार्केट ने जो ये डिस्काउंटिंग लिए, तुम लोग एक सिमिलर बात करें कि प्रतीकों के थोड़ा समझें,
लेकिन मार्केट अगर इस बात को कंटिन्यूटी को मान ले कि करंट रिजीम की गवर्नमेंट चेंज नहीं हो रही, तो पॉलिसी कंटिन्यूएशन को उसको कन्वर्ट में कर लेते हैं वो, और उसको बहुत पॉजिटिव लेके मार्केट चल रहा है, जो कि अभी स्टेट इलेक्शन से उसको कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया है। दूसरा, अभी सरकारी खर्चे के दम पर ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा था, अब धीरे धीरे प्राइवेट में जो लोग कर रहे हैं ना QIP वगैरह कर करके खूब सारे इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ये 2024 के लिए, अगर हम इस थ्योरी को ट्रांसलेट करें, क्योंकि हम लोग उस वर्ष पे खड़े जब एक्चुअल पार्टी के माहौल पे हम लोग जाने वाले हैं, तो 2024 की जो जर्नी है वो कमोबेश ऐसी ही चलेगी, कोई बहुत बड़ी चिंता या बहुत बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी वो आए नहीं है जिनका इंतजार बहुत पैसे लेके आने वाले हैं वो। नीरज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं एक मुद्दा यहाँ पे रेज कर रहा हूँ जो कि सबसे खास मुद्दा है। अगर आप 2008-09 के फाइनेंशियल क्राइसिस से गिनना चालू करें, तो तब से लेके आज तक ग्लोबल मार्केट में भयंकर लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ है। ये आप US मार्केट में अगर बात करें, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर एडिशनल लिक्विडिटी हैज बीन क्रिएटेड, एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम, और वो धीमे धीमे कंटिन्यू करते गए, और कोविड के टाइम एक वापस एक सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ लिक्विडिटी क्रिएशन हुआ है। और ये लिक्विडिटी एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट में पहुंच जाता है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में पहुंच जाता है। अब दूसरी बात है जियोपॉलिटिकल जो स्थिति है, जियोपॉलिटिकल स्थिति ऐसी है कि चाइना में लोगों का कंफर्ट थोड़ा बहुत हिल गया है, और चाइना से लोग पैसा हटाना चाहते हैं बाय एंड लार्ज। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूं, बाय एंड लार्ज। नाउ अब देखिए, अभी तक अगर चाइना में FII की इन्वेस्टमेंट की बात करें, करीबन $3.5 trillion इन्वेस्टेड चाइना में, और इंडिया में 0.6 trillion। तो अब चाइना से अगर 1 trillion भी हटा, जो कि 3.5 में से 1 trillion अगर हटा, और उसमें से आधा भी इंडिया में आया, तो इंडिया में FII इन्वेस्टमेंट डबल होता है, और इसका असर मार्केट में जरूर आए। अच्छा, इसके बाद देखिए डोमेस्टिक, जो आप कह रहे थे, आप भी उसका जिक्र कर रहे थे, SIP इंक्रीमेंटल हर महीने $2 billion SIP आ रहा है। और अगर ये फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग, जिसकी बात हम करीबन 20-30 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, वो एक्चुअली अभी ग्राउंड में हो रहा है, तो कैपिटल मार्केट में पैसा जरूर आएगा। अब बात ये है कि अपना हमारे यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने चाहिए और डेप्थ बढ़ना चाहिए। मार्केट का अगर डेप्थ बढ़ता है तो अनरियलिस्टिक पी पे ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि जो पैसा है आज अगर वो 50 शेयरों में बट रहा है, कल अगर 500 शेयर में बटे तो ऑब्वियसली पी लेवल विल बी रियलिस्टिक। तो जो IPOs आ रहे हैं, जो पैसा आ रहा है, आई थिंक ये सब नजर में रखते हुए हम लोगों को लगता है कि 24 अच्छा जाएगा, 2024 भी अच्छा जाएगा। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो ये वोलेटिलिटी है, ये वोलेटिलिटी जारी रहेगा, क्योंकि आज देखिए जो FII न्यूयॉर्क में बैठा है वो देख रहा है कि टैक्टिकली जो दो सोच रहा है वो देख रहा है वैल्यूएशन के लिहाज से चाइना में एक बम्प अप आ सकता है बहुत जल्दी, क्योंकि चाइना बहुत नीचे वैल्यूएशन में काम कर रहा है। तो जो टैक्टिकली सोच रहा है वो शायद चाइना में थोड़ा पैसा लगा रहा है, और वो जब प्रॉफिट होगा चाइना से निकालेगा। बट जो लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं वो भी बहुत है, वो चाइना से हटा के इंडिया में आ रहे हैं, और वो टैक्टिकल जो FIIs टैक्टिकली सोचते हैं, टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी लेते हैं, वो आएंगे जाएंगे ये चलता रहेगा। तो मार्केट का डेप्थ बढ़ेगा, मार्केट का साइज बढ़ेगा, और मार्केट में वोलेटिलिटी भी बढ़ेगा। वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट इन 2024। ओके, थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ेगी। जैसे अनुराग जी, जो मार्केट है वो अर्निंग को फॉलो करेगा, और अर्निंग फिर लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को फॉलो करेगा, ये यही तो फार्मूला चलता है ना, आप लोगों ने यही पढ़ाया है कि मार्केट जो है अर्निंग को और अर्निंग इकोनॉमी को, तो इसका कोई तोड़ है ही नहीं। तो यही पटरी चल रही ना इस समय, इकोनॉमी भी रिवाइव कर रही बहुत तेजी से। नहीं, सो इकोनॉमी देखिए वो 6.5 के एस्टिमेट 7% जाते हैं, तो हेल्पफुल है वो, नो डाउट। और उसी पे वो 12% ग्रॉस रिटर्न्स की जो कहानी चल रही है कि कुछ कुछ भी ना कहे सहे, मतलब 12% तो एक 11 से 12 का रिटर्न तो निफ्टी लेवल पे निकलेगा ही, और जो कंपनीज एफिशिएंट है वो उससे ऊपर भी निकाल सकती है। और वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हो रहा है नीरज जी, हर सेगमेंट में 2-3 प्लेयर्स हैं जो कि डोमिनेट कर रहे हैं, विच इज अ साइन ऑफ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट? कि हर एक यू नो वेल ग्रोन आउट डेवलप्ड इकोनॉमीज में 3-4 बड़े ब्रांड्स हर सेक्टर को डोमिनेट करते हैं, वो मूव भी अच्छा है।
अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा मूव है. जीएसटी कलेक्शन इसीलिए बढ़ रहे हैं बिकॉज सेक्टर इज गेटिंग मोर ऑर्गेनाइज राइट, और लीकेजेस कम हो रही, वो सारी कहानी अपनी जगह है नीरज जी. लेकिन इस पर मैंने अभी जो गेस्ट ने दो तीन बातें कही उस पर नीरज जी दो तीन बातें और कहना चाहता हूँ उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए. यू नो सो एक तो देखिए किस कभी ना कभी और आई थिंक 2024 में भी हमें ये रिजॉल्व करना पड़ेगा ये कॉन्फ्लिक्ट दैट एफआईआई इज कॉन्स्टेंटली दे कांट बी सेलिंग एंड डीआईआई इज कांट बी बाइंग कॉन्स्टेंटली. आई थिंक अब इस पे ये कहां से शुरू हो बट समवेयर आई फील दैट मे बी इफ सेबी इंटरवीन्स. ऐसा क्यों है कि म्यूचुअल फंड्स कैश 5% से ऊपर नहीं रख सकते हैं? उससे फिर मार्केट में डिस्टॉर्शन आते हैं नीरज जी, और क्योंकि एक पार्टी है जिसको फ्लेक्सिबिलिटी है सेलिंग की कभी भी, लेकिन एक पार्टी है जिसको सेलिंग की फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, इट हैज टू बाय एट एनी प्राइस. एंड दैट इज वाई हर चीज के यू नो सेक्टोरल स्टोरीज अब स्टोरीज बाद में फॉलो कर जाती हैं, लेकिन अब पीएसयू बैंक्स चल पड़े हैं. अब देखिए ये तो कोई फ्यूचर नहीं है, दिस वॉज नॉट कॉन्स्टेंटली द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. फ्यूचर ये था कि प्राइवेट बैंक्स कॉन्स्टेंटली शेयर जीतेंगे और वो ग्रो करेंगे, बट अब यू नो तमाम तरह के सेक्टर्स चल पड़े हैं जो कि जिसमें सेंसिबल नहीं है नीरज वो. तो समवेयर आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट है विच हैज टू बी रिजॉल्व, बिकॉज फिर एक साइड में मनी है जो किसी भी रेट पे मार्केट को खरीद रहा है और एक साइड पे यू नो एक स्मार्ट एग्जिट मिल रही है. दिस इज नॉट अ गुड सिनेरियो अल्टीमेटली. लेट अस होप कि 2024 में इस पर कुछ एक्शन हो. इसी क्वेश्चन पे एक काउंटर मेरा है कि इस सिनेरियो के बावजूद जो है म्यूचुअल फंड 12-13% का रिटर्न बना के देते हैं लॉन्ग टर्म में. हाँ तो वो ओके सो अब उसमें मेरी डिकेडल रिटर्न्स वाली थ्योरी आ जाती है नीरज जी के अगर हम पिछले 40 सालों को हम 4 decades में डिवाइड करें और 80, 81 to 91, 91 to 2001 आप देखेंगे हर डिकेड में रिटर्न्स ग्रॉस लेवल पे कम हो रहे हैं, और वो इसीलिए कम हो रहे हैं बिकॉज इजी पिकिंग्स जा रही हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो बड़ी कंपनीज है वो बन चुकी हैं और इकोनॉमी मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रही है. ये रिटर्न्स ग्रेजुअली कम होंगे नीरज, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि अब जो एसआईपी इन्वेस्टर्स कर रहे हैं आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर वो 12% भी निकाल लेते हैं नीरज. आई मीन वी आर हियर, हम आगे भी देखेंगे, बट मैं किसी को मिसलीड नहीं करना चाहता. आई थिंक यू आर जस्ट सिंपली बोरोइंग रिटर्न्स फ्रॉम द फ्यूचर. ऐसा अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए नीरज, हमने ये मार्केट में भी देखा है कि तमाम कुछ फंड मैनेजर्स भी आए थे जो देख रहे थे कि पिछले 20 साल 20% रिटर्न, 20% ROE और ये 20 companies, और देख रहे हैं आप 2-3 साल से क्या हाल हो रहा है. तो आई विश मनी मेकिंग इतना इजी होता यू नो कि आप बस डालिए और 12%. ठीक है 12% में इन्फ्लेशन भी तो है ना नीरज जी 6% का, तो आई वुड नॉट से कि इट इज अ वेरी ग्रेट रिटर्न, इट्स अ एवरेज रिटर्न राइट जी. अनुराग इस पॉइंट में एक क्विक व्यू ले लेता हूँ सबके, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रख दिया है. जसप्रीत जी क्या ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन टॉप 50 कंपनियों में, सारे म्यूचुअल फंड के का पोर्टफोलियो उठा के देखिए सब उसी में लगाए पड़े हैं पैसा, ये एक प्रॉब्लम है क्या? आज के दिन में आई थिंक उतना कंसंट्रेशन नहीं रह गया अकॉर्डिंग टू मी. इनफैक्ट मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा टू यू नो इलस्ट्रेट दिस. जो रिसेंट एग्जांपल है स्मॉल एंड मिड कैप में जो आग लगी हुई इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, उसके चलते यू नो लॉट ऑफ फंड मैनेजर्स आर नाउ फोर्स्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट दे हैव इन देयर पोर्टफोलियो. फॉर एग्जांपल जिसके पास 30 स्क्रिप्ट्स थे, स्मॉल एंड मिड कैप का एग्जांपल ले रहा हूं, दे नाउ हैव 40, जिसके पास 40 थे दे हैव 50. यू विल बी सरप्राइज्ड, आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्कीम, बट आई एम रीजनेबली श्योर इट वॉज निपॉन विच हैज एज मच एज 70 प्लस स्टॉक्स इन देयर स्मॉल एंड मिड कैप. And it's and some of these top and some of these top three mid and small cap है वो सब 20 से 30 हज़ार करोड़ के वो हैं you know portfolio sizes हैं, इतने बड़े हो गए. Now अब इसको करें क्या? Now they can't concentrate right, they have to increase the tail, वो tail को बढ़ाना ही पड़ेगा. तो and बीच में वो you know you remember multi cap को उन्होंने you know multi cap नाम के होते थे तो सेबी ने action किया, तो उन्होंने flexi cap किया. So there is fair amount of action which जो मुझे लगता है गवर्निंग बॉडीज के तरफ से भी हो रहा है एंड स्कीम्स वाले यू नो म्यूचुअल फंड्स फंड मैनेजर्स भी कर रहे हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से भी प्रेशर होगा कि ये सिर्फ नाम का मत करें कि यू नो नाम का आपने लार्ज कैप
अब मल्टी कैप बोला तो लार्ज में ही सब कॉन्सेंट्रेशन कर दिया, सो आई एम नॉट एक्चुअली ऑन दैट कैम्प कि वो कॉन्सेंट्रेशन है. इट इज फेयरली डाइवर्सिफाइड कंपेयर टू हिस्टोरिक. अभी और ज्यादा डाइवर्सिफाई हो सकता है, येस प्रॉब्ली इट कैन बी फर्दर डाइवर्सिफाइड इन टू मोर द मार्केट कैप्स बियॉन्ड बियॉन्ड द टॉप 200, लेट्स कॉल इट द टॉप 200, बियॉन्ड 200 और डाइवर्सिफाई जरूर हो सकता है. जी, एंड दैट आई थिंक एक व्यू और इसमें देखिए, टॉप 50 स्टॉक्स जो हैं वो ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं होगा जिसने अपने गले तक ना भर रखा हो. एक एग्जाम्पल के लिए कहते हैं HDFC बैंक लीजिए, सब ने इतना भर रखा था कि बेचारा चल नहीं पाया, फिर फिंजार कर दिया. अब FII आएंगे तभी चलेगा वो, क्योंकि वो इतना भारी हो चुका है कि वो हिलाए नहीं हिल रहा है. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मार्केट में, लेकिन कुछ स्टॉक्स में तो ऐसा कोई पोर्टफोलियो शायद ही मिलेगा जिसने वो ना ले रखा हो. सुदीप सर, इस पर आपका क्यों कमेंट, फिर मैं पंकज जी के पास आता हूँ. नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. HDFC बैंक का इशू जो है बिल्कुल सही इशू है कि FII का इंतजार करना पड़ेगा HDFC बैंक चलने से पहले. पर देखिए, इसीलिए मैं पहले आपको यही जिक्र कर रहा था कि जो नए कंपनीज लिस्टिंग हो रहे हैं, ऐसे और 500 कंपनी अगर लिस्ट हो जाए इंडिया में ओवर द नेक्स्ट 2-3 साल में, तो ये स्प्रेड जरूर बढ़ेगा. अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में 50, 100, 200 कंपनी के बाहर जाना एक क्वालिटी फंड मैनेजर के लिए रिस्की हो जाता है, अनलेस ही इज मैनेजिंग ए स्मॉल कैप फंड और समथिंग लाइक दैट. तो इसीलिए कंसेंट्रेशन देखने को मिल रहा है. तो वी नीड मोर एंड मोर गुड क्वालिटी स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं. कंपनीज, नए नए कंपनीज आ रहे हैं, नए नए सेक्टर्स के कंपनीज आ रहे हैं, नए बिजनेस वाले कंपनीज आ रहे हैं, ताकि एक कंपनी आने के बाद डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो का सही तरीके से होगा. आपके आपने पोर्टफोलियो में इंफोसिस, TCS और 2-4 IT कंपनीज लगा के रखे हैं, तो इनमें अंतर क्या है, डाइवर्सिफिकेशन कहाँ हुआ? फिर आपने HUL, ITC, नेस्ले, 5-6 FMCG रख लिया है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ. HDFC, ICICI, SBI वगैरह रख लिया, तो आपका पोर्टफोलियो ये 3-4 क्षेत्र में ही रह गया है. तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया है, पर इसके लिए कारण ऐसा है कि हमारे यहाँ गिने चुने कंपनीज होते थे, 50-100 कंपनीज हैं जहां पे मतलब कोई टेंशन के बगैर एक फंड मैनेजर पैसा लगा पाए. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर. हम लोग थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, अभी सिस्टमिक चीज़ों पे बात कर रहे हैं मार्केट, लेकिन ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि जब मार्केट आपका इस तरीके से लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़ रहा है तो बहुत ज़रूरी कि उसको एक्सपेंड करना चाहिए. बहुत अच्छा पॉइंट उठाया अनुराग जी, बहुत थैंक यू आप यहाँ पर ले आए जिस पर हम इस पर बात कर सके, क्योंकि जब तक वो एक्सपैंड नहीं हो, अल्ट्रा लार्ज कैप फंड देखिए सबके पास वही स्टॉक है, तो कहाँ से रिटर्न डिफरेंट होगा? सब वही 10-12% घूम रहे हैं, सब ने ऊपर से 50 गिन लिया, उसमें से कुछ सिक्लिकल निकाले, सेट कर लिया, बन गया लार्ज कैप. ये फिर तो ETF आप में कोई फर्क नहीं रह गया ना, फिर एक्टिवली मैनेजमेंट क्या करो. तो ये कंसर्न है, मैं किसी गलती नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसको हर एक को सोचना पड़ेगा आने वाले समय में. तो नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ने चाहिए. पंकज जी, आपका व्यू क्या, डाइवर्सिफिकेशन इसका एक उपाय हो सकता है, लेकिन उसमें एक समस्या है, बहुत सारी जो नई नई कंपनियां आती हैं, एक एक डेटा में पढ़ रहा था, पता नहीं कितना ऑथेंटिक है, कि पिछले 10-15 सालों में जितने IPO लिस्ट हुए उसमें से मोर देन 75% डीलिस्ट भी हो गए हैं. तो ये भी एक कंसर्न है कि जो नए लोग आ रहे हैं नीरज जी, वो बचे भी रहे बेचारे. हाँ नहीं नीरज जी, डेफिनेटली आई हैव 2-3 व्यूज ऑन दिस. जो भी हम बात कर रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे, एंड आपकी बात बिल्कुल सही है. आप किसी भी मेजर स्कीम्स का, किसी भी फंड का, आप लार्ज कैप पोर्टफोलियो, आई हैव बीन टॉकिंग टू क्लाइंट्स कि 50-60% तो मैं बिना देखे उनका पोर्टफोलियो बता सकता हूँ. इट इज जो टॉप के 10-12 स्टॉक्स है, विदाउट ये आप इफ यू टॉक अबाउट इन्फोसिस, TCS, हिंदुस्तान लीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आई थिंक HDFC बैंक, कोटक बैंक, दीज आर वेरी स्टैंडर्ड काइंड ऑफ स्टॉक जो कि हर पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे. रादर टू एक्सटेंड अ व्यू पॉइंट, आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द फंड मैनेजर्स इन बॉम्बे सम टाइम बैक. मैंने कहा सर, किसी फंड मैनेजर में इतनी करेज क्यों नहीं होती है? पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि आपके HDFC बैंक, कोटक बैंक, से इन्फोसिस, TCS, HUL, दे हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग. तो इतनी करेज क्यों नहीं होती है कि उनकी एलोकेशन आप 50% कट डाउन कर दीजिए? एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई बहुत क्लियर कट रिप्लाई मेरे को देखने को नहीं मिला. तो शायद मेरे को लगता है कि एक जो हर्ड मेंटेलिटी है, या एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, या आउट ऑफ द बॉक्स रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, शायद उसके लिए अभी भी हमारे फंड मैनेजर्स तैयार नहीं है. तो जो लार्ज कैप या हायर मिड कैप फंड हैं, उसमें 50-60% बड़ा स्टैंडर्डाइज पोर्टफोलियो है, एंड कुछ हद तक यू आर राइट, कंसंट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो है. और अगर इन जो एक स्टैंडर्ड बास्केट है, इसमें कहीं भी किसी भी वजह से डीपर करेक्शन आती है, तो आई थिंक इट वुड बी सीन ओवर ओवर ऑल द पोर्टफोलियोज. जहां तक आपकी बात है कि
जो नए आईपीओ आते हैं पिछले 5-7 साल की स्टडी है और उनमें 60-70% वेदर आउट हो जाते हैं आफ्टर सम इयर्स, मे बी आई थिंक दैट हैज बीन द सिनेरियो, बट उसके अंदर एक मैं एक पॉजिटिव किरण मैं देना चाहूंगा. इवन वी हैव बीन इंटरेक्टिंग विद लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, लार्ज नंबर ऑफ यंगर पीपल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, उसके अंदर कुछ हमारे क्लाइंट्स भी हैं. और जो एक शिफ्ट हमारे को देखने को मिला है, ऐसा हमें एहसास मिला है कि जो अब जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है या जो अब विजन है या जो अब एनर्जी है, जो अब उनका बैलेंस शीट की तरफ विजन है, आई थिंक दैट इज मच मच बेटर देन व्हाट इट वाज अबाउट 10-15 इयर्स बैक. जो एक क्रॉप ऑफ नए एंटरप्रेन्योर्स या नए आईपीओ आ रहे हैं पिछले 2-4 साल में, आई थिंक हमारे को इसका असर देखने को मिलेगा. आई थिंक इसके अंदर ज्यादा परसेंटेज आपको देखने को मिलेगी अगले 10 साल के बाद कि दे सर्वाइव वेल एंड दे हैव बीन एबल टू क्रिएट वेल्थ फॉर देमसेल्व्स ऑल्सो एंड फॉर देयर इन्वेस्टर्स ऑल्सो. और इसमें अगर हम पिछले भी अगर हम 3-4 महीने की स्टडी देखें, विच आई हैव बीन टॉकिंग ऑन सम प्लेटफॉर्म, कि जिस तरह के आईपीओ आ रहे हैं, जिस तरह के उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, जिस तरह के उनका एक नीश एरिया है, इवन द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है, काफी अच्छे होंगे. एंड ओनली टाइम विल टेल कि क्या ये भी एक बैंड वैगन में चले जाते हैं या दे टेंड टू डू वेल. बट मेरे को लगता है कि पॉजिटिविटी है और अब जो आईपीओ आ रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे होंगे, दैट इज अ मच बेटर क्लास देन व्हाट इट वाज से अबाउट 10 इयर्स बैक. सो ऑल इन ऑल कंसंट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो अभी भी एक चैलेंज है का, अभी भी एक हर्ड मेंटेलिटी है काफी सारे फंड्स में. इसका कैसे आई थिंक सोल्यूशन होगा, इट इज टू बी सीन. बट ऑल इन ऑल आई थिंक अभी भी एक, जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि वैल्यू पिकिंग है, अभी भी देर आर पॉकेट जहां पर वैल्यू पिकिंग हैगी एंड ये हमारे शायद फंड्स को भी समझ आ रहा है. धीरे धीरे मुझे लगता है मार्केट कुछ चीज़ों को अपने आप करेक्ट करता है, ऑटो करेक्ट होते हैं वो अपने आप चीज़ें, मार्केट वीड आउट कर देगा उनको. अगर वो इंटेंशनली नहीं करेंगे तो मार्केट आपको वीड आउट कर देगा. मार्केट तो बहुत समाजवादी टाइप की जगह है, वहाँ कोई गलती माफ़ नहीं होती और हर मेहनत रिवार्ड होती है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को. मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि 24 की दहलीज पर हम लोग खड़े हुए, तो हम लोग थोड़ा सा एक दो सेक्टर पर बात करना चाहते हैं. चॉइस ऑफ योर सेक्टर, सुधीर सर शुरू करें. सुधीर सर, आपकी पसंद का कौन सा सेक्टर होगा, उसके लॉजिक चाहिए मुझे, स्टॉक बताएं ना बताएं, कि 24 के लिए अगर थीम कोई सोच रहा है या कोई आपको लग रहा है कि एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल चेंज हो रही है उस सेक्टर में, वो हमको बताइए आप, क्या होगा आपके लिए. देखिए, मेरा पसंद का सेक्टर होगा थोड़ा कंट्रारियन, मैं तो केमिकल स्पेशलिटी केमिकल क्षेत्र की बात करूंगा. ये कंप्लीटली बॉम्ब्ड आउट सेक्टर है, आज के दिन में कोई हाथ नहीं लगाता है, सब दूर रहता है. पिछले करीबन 3-4 क्वार्टर में बहुत खराब रिजल्ट्स भी दिए हैं इस सेक्टर ने. पर अगर आपको अगला साल 2-3 साल के लिए बेट करना है तो मुझे तो लगता है यही सेक्टर में देखना चाहिए. दो तीन खास बात यहाँ पे कहूंगा. एक बैटरी केमिकल्स एक बहुत बड़ा सेगमेंट निकल के आ रहा है और ये जो ईवी की हम इतलो इतनी बात कर रहे हैं, जो ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये भी केमिकल डिपेंडेंट है कुछ हद तक और ये केमिकल्स का डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ेगा. तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो ये इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं. और जो स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी जो कि पहले चर्चे में थे और क्योंकि अभी बुरा समय चल रहा है उसका, इसीलिए शेयर प्राइस नीचे आ गया था, चाइना का कंपटीशन था, ओवर स्टॉकिंग था, मुझे लगता है कि कुछ हद तक वो सारे समस्याएं खत्म हो रहा है और अगला 2-3 क्वार्टर के बाद प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा. तो अगर कोई निवेशक इसमें फोकस करे तो मुझे लगता है कि थोड़ा एग्रेसिव स्टैंड वाला इन्वेस्टर, तो मुझे लगता है कि ये लेने का सही समय है. तो मैं यहाँ पे जैसे हिमाद्री केमिकल जो कि बैटरी केमिकल्स बनाने में जुड़ा हुआ है अमंगस्ट अदर्स, मैं यूपीएल की बात करूंगा, दुनिया का शायद 4th या 5th बड़ा एग्रोकेमिकल्स कंपनी है, बहुत ही पिटा हुआ शेयर है आज के दिन में, पर ओवरऑल टर्नअराउंड का उम्मीद है और ग्लोबल इकोनॉमी भी सुधर रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी सुधार आएगा. मैं SRF की बात करूंगा, बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत सारे क्षेत्र में जुड़ा हुआ है केमिकल्स से साथ, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा. तो स्पेशलिटी केमिकल्स केमिकल्स इसी क्षेत्र में निवेशक अपॉर्चुनिटी ढूंढे क्योंकि वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है. सेक्टर का परफॉर्मेंस भी खराब था पर आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस सुधरेगा, यही हमारी उम्मीद है. एक अपॉर्चुनिटी लेके मैं और एक सेक्टर का थोड़ा जिक्र करूंगा, FMCG. यहाँ पे भी बहुत ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला है, कारण मालूम है, रूरल डिमांड दबा हुआ था, अभी भी रूरल डिमांड प्रॉपरली नहीं आया, हर मैनेजमेंट कमेंट्री में ये बात आता है. पर
हम लोगों का जो एनालिसिस है, जो जो ग्राउंड रियलिटी है, उससे लग रहा है कि मिडिल ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर तक रूरल डिमांड तगड़ा हो जाएगा और इसका बहुत बड़ा फायदा एफएमसीजी कंपनीज, पर्टिकुलरली जो कंपनी जुड़ा हुआ है रूरल इकोनॉमी के साथ, जिनका ज्यादातर प्रोडक्शन, ज्यादातर सेल्स रूरल मार्केट से आता है, तो डाबर, एचयूएल, इन कंपनीज का मैं जिक्र करूंगा, बहुत ही सेफ बेट है और अच्छा बेट है करंट लेवल पे। सर एक छोटा सवाल मुझे केमिकल वाले पूछना है, फिर उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा, फिर बाकी गेस्ट के पास जाऊंगा। केमिकल में एक दौर आया था जब बहुत प्राइसेस उनके प्रोडक्ट के ऊपर गए थे, रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर गए थे, फिर एकदम से करेक्शन हुआ, बहुत सीवियर करेक्शन हुआ, क्या प्राइसिंग अब बॉटम आउट हो रही है वहां पे? ये सवाल मेरे लिए हाँ, है। हाँ सुदीप सर, केमिकल वाले भाई जी, कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि बॉटम आउट हो रहा है। अगर आप, अगर आप देखिए, समस्या क्या थी, समस्या थी कि चाइना, चाइना सबसे समस्या, और दूसरा समस्या था कि ग्लोबल इकोनॉमी में दबाव था, और ये सारे केमिकल्स कंपनी अगर आप देखेंगे, इनका बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट होता था, और ऐसे ही स्ट्रक्चर था कि चाइना प्लस वन या यूरोप प्लस वन, ये जो थिंकिंग चालू हुआ, उससे ही केमिकल कंपनीज के ऑर्डर्स बढ़ने लगे और इनका प्रदर्शन भी अच्छा होता गया कंटिन्यूअसली। और ज्यादातर इंडिया के जो केमिकल्स कंपनी थे वो कमोडिटी केमिकल्स जो कहते हैं, ऐसे कमोडिटी स्पेशलाइज्ड कुछ नहीं था। जो स्पेशलाइज्ड केमिकल्स वाले कंपनी थे, जो CSM, कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग, जैसे PI इंडस्ट्रीज, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा, पर जो कमोडिटी केमिकल्स, उनका प्रदर्शन खराब हो गया, क्योंकि चाइना का ओवर सप्लाई जो था वो मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में डंप हो रहा था और ग्लोबल डिमांड कम हो रहा था। अब स्थिति ऐसी आई है कि चाइना का जो ओवर सप्लाई था वो खत्म हो रहा है और ग्लोबल डिमांड भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों ट्रेंड अगर आप एक साथ देखें तो हम लोगों को लगता है कि जो कमोडिटी केमिकल्स कंपनी है, उसमें UPL भी आएगा, उसमें आपका SRF भी आएगा, उसके बाकी सारे आरती इंडस्ट्रीज भी आएगा, तो इनका प्रदर्शन भी अच्छा होना चालू होगा। और जो ट्रेंड मेजर थी कि चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो ट्रेंड बरकरार है जी। तो स्ट्रक्चरल चेंज बरकरार है, और जो डी स्टॉकिंग एक समस्या बीच में शॉर्ट टर्म की लाई थी वो भी शायद अब रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। तो सुदीप सर का फेवरेट सेक्टर होगा केमिकल्स, और एंसिलरी, एंसिलरी मतलब उसका क्या कहते हैं, एम्बेडेड सेक्टर आप मान लीजिए FMCG, क्योंकि रूरल डिमांड पिकअप करती हुई दिख रही है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर बाकी हमारे तीन मेहमानों से उनकी पसंद के सेक्टर सुनेंगे। और आज हम चर्चा कर रहे हैं बाजार सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, तो 24 के लिए हमारा व्यू क्या बनना चाहिए? जसप्रीत सर, 24 के लिए आपका पसंदीदा सेक्टर कौन सा होगा? सर अभी बात चल रही थी, यू नो FIs ने कंटिन्यूसली यू नो सेलिंग मोड में रहे हैं। आज गट फील इज कि वो शायद यू नो एक यू टर्न लेगा इन 2024, एंड उसके यू नो चलते आई थिंक द टॉप टू बेनिफिशरीज शुड बी, एंड फॉर मतलब राइट रीजन, बैंकिंग सेक्टर एंड IT सेक्टर। तो विद इन दैट हमारा पर्टिकुलर फोकस या हमारा यू नो रुझान जिसे बोलते हैं वो ज्यादा सेम, मोर ऑफ द सेम, वो जो PSU बैंक्स हैं उधर ही रहेगा, बिकॉज उधर ही वैल्यू है। यू नो उनकी बैलेंस शीट्स काफी साफ हैं, क्रेडिट ग्रोथ अच्छे हैं, मैनेजमेंट की जो बॉडी लैंग्वेज है, अग्रेशन है, वो अलग ही डायरेक्शन में है कंपेयर टू जो पुराने मैनेजमेंट्स हुआ करते थे 10-20 साल पहले। दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस यू नो ग्रोथ वर्सेज उनका जो बैलेंस शीट प्रोटेक्शन का जो प्लानिंग चल रही है, जैसे आप यू टॉक टू एनी PSU, टॉप 10 PSU बैंक्स में से, सो विच इज वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव, दैट इज वन। सेकेंड, विद इन IT हमें ऐसा लगता है कि लार्ज कैप IT एंड विद इन यू नो मे बी अपर मिड कैप IT वुड बी उनका ज्यादा ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। अगेन वहीं पे वैल्यू है एंड ग्रोथ शुड बी फार बेटर। वो यू नो रिसेशन की बातें चली US में, कुछ हुआ नहीं, हम दिसंबर में आ गए, 2.5% US ग्रो कर रहे हैं, अगले साल फिर से रिसेशन की बातें चल रही है, बट एस्टिमेट ये भी है कि 1.5% ग्रो करेगा, बट यू डोंट नो, शायद अगले साल हम बात करें तो फिर से रिसेशन वर्ड वहां कुछ आई ना। तो अगेन बॉटम लाइन, IT सेक्टर कम बैक मार सकता है, अभी तो सिर्फ री रेटिंग से उन्होंने कम बैक मारा है, रीसेंट 10-15-20%, नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स ग्रोथ लेट कम बैक हो सकता है, रियल अर्निंग्स ग्रोथ, राइट, विच मीन्स जो डबल डिजिट था सिंगल डिजिट में आ गया था, इट कैन गो टू यू नो लो डबल डिजिट अगेन। एंड ये हमने सेक्टर एक्चुअली बात भी की थी दो महीना पहले कि वो चलता नहीं है, बट यू नो गुड थिंग इज कि उन्होंने अभी रिसेंटली दे हैव मेड अ स्ट्रॉन्ग कम बैक। एंड यू नो जस्ट टू अदर स्मॉल पॉकेट्स, सुदीप जी ने बोला, आई थिंक इस केमिकल ब्लास्ट में बहुत क्लियर हो गया है स्पेशलिटी पॉकेट्स में कितना रियल में स्पेशलिटी है और कितना उस स्पेशलिटी में रियल कमोडिटी है, राइट? तो विदाउट टेकिंग नेम्स, वो यू नो किस किस के प्राइसेस
केमिकल प्राइसेस वो टॉप से 30-40-50% डाउन हो गए हैं, क्लियरली सजेस्टिंग 60-70% हो, क्लियरली मीनिंग वो स्पेशलिटी थे ही नहीं कभी, राइट, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स. नाउ हेयर ऑन स्पेशलिटी के अंदर कोर स्पेशलिटी जो है वो काफी प्ले करेगा, इंक्लूडिंग फैक्टर्स लाइक सर ने भी बोला इन टर्म्स ऑफ लेट्स से इलेक्ट्रिकल थीम या ऐसे एंसिलरीज जहाँ पे उनका बहुत बड़ा यू नो कनेक्शन बना हुआ है. सो कोर स्पेशलिटी विद इन स्पेशलिटी एक एक माइक्रो थीम पकड़ सकते हैं फ्रॉम अ कमबैक स्टोरी, एंड आई थिंक मोर ऑफ द सेम में मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एंड रिलेटेड यू नो एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में जो बढ़ रहा है एंड उसमें एक्सपोर्ट अगर जुड़े वो दैट इज लाइक अ बिग मल्टा ईयर थीम. तो अगेन वो 2024 में भी इट विल बी एन आउट परफॉर्मर, वी हैव नो डाउट अबाउट इट. ओके अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन, सरकारी बैंक जो आपने बताया उसमें छोटे वाले या बड़े वाले? मतलब टॉप का छोड़ दीजिए, आई मीन द लार्जेस्ट नेम यू एक्सक्लूड, देन द नेक्स्ट 5 में से यू नो इट्स अ वेरी गुड सेक्टर, वेरी गुड बास्केट टू चूज. उसमें तीन चार चीजें, लिक्विडिटी बहुत अच्छा है, रीजंस फॉर डिसअपॉइंटमेंट बहुत कम रहेगा, जी एंड एंड एक जो हमारा एक सवाल एक का जो टॉपिक निकला था कि वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं म्यूचुअल फंड एटसेट्रा, वो कल को अगर डाइवर्सिफाई करते हैं या करेंगे वो उसी में ही करेंगे, बियॉन्ड टॉप 5 कोई नहीं जाएगा. ओके तो बहुत हमारे दर्शक बहुत स्मार्ट है, वो समझ गए होंगे कि चार बड़े छोड़ना है ऊपर सरकारी वाले बैंकों में से, उसके नीचे के 5 में तो बहुत एकदम क्लियर पिक्चर है, वो समझ गए कौन से स्टॉक की बात आप कर रहे हैं विदाउट नेमिंग. अनुराग जी फेवरेट सेक्टर? नहीं तो वो है फेवरेट, इसके अलावा एक और नजरिया लेते हैं. देखिए आईटी तो अच्छा चल ही रहा है, मैं जब कह रहा था कि जब यहाँ पर हम एफएमसीजी को 80 का मल्टीपल देते हैं तो टेक्नोलॉजी भी कैचअप तो करेगा ही, तो आई थिंक दैट इज प्लेड आउट फाइन, वो कंटिन्यू है नीरज जी. बैंकिंग और टेक्नोलॉजी में कोई रिस्क नहीं है, बट आई वुड स्टे विद प्राइवेट बैंक्स एंड लार्ज कैप टेक्नोलॉजी. बट इसके अलावा नीरज मैंने जो देखा इंडिया विजिट में कि इंडिया का जो टॉप 10-15% पॉपुलेशन सेगमेंट है ना, दे बिहेव मोर लाइक अ मेच्योर डेवलप्ड मार्केट, उनके पास काफी पैसा है और ये सोसाइटी जब इवॉल्व होती है तो अपार्ट फ्रॉम बेसिक कंजम्पशन एंड डिस्क्रिशनरी थिंग्स दे स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स. दो खर्चे बड़े प्रोमिनेंट होते हैं यूएस में, अगर नीरज किसी भी लाइफ में यहाँ पर देखें यूएस में, तो एक है एजुकेशन और एक है हेल्थ केयर, और ये बहुत साइजेबल चक है इकॉनमी का. अब इंडिया में अगर ये होगा तो एजुकेशन तो देखिए सब पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर ही भेज रहे हैं, तो वो तो एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट हेल्थ केयर इंडिया में आई थिंक अगर जब भी आपको मौका मिले, आई एम नॉट सेइंग फार्मा कंपनीज, बट उसके अलावा बहुत कम है लिस्टेड स्पेस में, अगर आपको राइट प्राइस पे मिले जब भी मार्केट में यू नो एक देर इज अ सिग्निफिकेंट करेक्शन और वट एवर यू फील लाइक, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टोरी नीरज जी इन टर्म्स ऑफ एवरी सपोर्ट सिस्टम ऑन द हेल्थ केयर साइड, अगर वो लिस्टेड स्पेस में है तो आई थिंक दैट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म डिस्क्रिशनरी स्टोरी दैट विल बिल्ड अप इवेंचुअली, वो सेक्टर ग्रो करेंगे नीरज. हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं क्या आप? फार्मा छोड़ दो तो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हॉस्पिटल्स लैब्स बोल दीजिए और डायग्नोस्टिक्स तमाम तरह का ऑर्गेनाइजेशन, बट एट द राइट प्राइस. आई मीन यू नो दैट आई नेवर रिकमेंड ऑन अ रॉन्ग प्राइस, या बट हाँ नहीं सर ये लॉन्ग टर्म मैं स्टोरी, ये लॉन्ग सिर्फ टर्म स्टोरीज है. मेरे दर्शकों को मैं वहां तक पहुंचा रहा हूँ, फार्मा छोड़ दो हॉस्पिटल देखो, रिटेल मेडिकल स्टोर वाली कंपनी भी है, डायग्नोस्टिक्स भी है, तो उनको लाइफ इजी हो जाती है, वो समझ जाते हैं तुरंत कि अब आगे चार पांच में एक्चुअली किधर रिसर्च करनी है. पंकज जी आप कहाँ नजर बनाए हुए हैं अपनी, गुड़गांव के अलावा? नहीं, वहां तो समझ गए, मुझे देखो सारे टिकी लोग मुस्कुरा रहे, समझ गए हुई है. वहां नजर टिकी हुई है पूरे, और 2024 में भी टिकी रहेगी. अच्छा खैर एनीवे, कमिंग बैक टू द कोर टॉपिक, देखो एक एक जो पॉकेट मेरे को जिसमें जैकि आई मे बी रिपीटिंग माई सेल्फ, जो मुझे वैल्यू भी नजर आ रही है और मेरे को लगता है कि उस पॉकेट के बिना अगर हमारे को जैसे है कि निफ्टी अब की बार 22,000-23,000 या 24,000 वॉट एवर उस लेवल्स पे जाना है, तो आई थिंक बैंकिंग हैज टू परफॉर्म. आई थिंक बैंकिंग में अभी भी काफी वैल्यू हैगी, एंड जो एक पिछले 1.5-2 साल में हुआ है, जो हमारे पीएसयू बैंकिंग पैक है, इनकी काफी क्लीनलीनेस हो गई. आई थिंक इनकी बैलेंस शीट अब काफी क्लीन है, एंड दे आर रेडी टू राइड द वेव ऑफ ग्रोथ. और अब हम जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि एक जो कैपिटल इन्फ्यूजन आ रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो, गवर्नमेंट से हो, तो मेरे को लगता है कि आई थिंक बैंकिंग एज अ सेक्टर शुड परफॉर्म वेल. और वर्ष 2024 में आई थिंक ये एक रिलेटिवली सेफ, अच्छी वैल्यू वाला
और अच्छे स्टडी रिटर्न्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं. तो दिस इज वन सेक्टर विच वी आर रिकमेंडिंग एंड विच विल कंटिन्यू टू रिकमेंड. उसके अलावा आई थिंक दो सेक्टर रॉक हैं. एक सेक्टर जो कि मैं नहीं कहूंगा कि सस्ता सेक्टर है, बट ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी एज अ सेक्टर, मेरे को लगता है कि इस सेक्टर ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है वर्ष 2023 में और आने वाले वर्ष में भी. आई सी कंपेलिंग रीजन्स कि दिस कुड कंटिन्यू. एंड नॉट टू फॉरगेट कि इंडिया भी एक हब हो गया है ऑटोमोबाइल्स के लिए, चाहे वो टू व्हीलर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो जिस तरह के एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा है, चाहे वो फोर व्हीलर्स का हो एंड चाहे वो ऑटो एंसिलरी का हो. आई थिंक तीनों में एक बहुत सीरियस वैल्यू क्रिएशन हो गई है. बहुत अच्छी डोमेस्टिक मार्केट है, बहुत अच्छी एक्सपोर्ट मार्केट है एंड दे बीन डूइंग वेल एट एट प्रीटी डिसेंट रिटर्न्स. और जिस तरह से हमने देखा कि कॉमोडिटी प्रोडक्ट्स प्राइसेस काफी स्टेबलाइज हो गए हैं. सो आई थिंक दिस इज वन पॉकेट जो हमारे को लगता है कि अभी भी काफी एक्सटेंडेड अच्छे रिटर्न दे सकती है. सो टॉप टू में आई थिंक वैल्यू में बैंकिंग और मोमेंटम वाले में आई थिंक ऑटो ऑटो एंसिलरी. और जिस तरह आप इशारा कर रहे थे, आई थिंक विदाउट पुटिंग एनी नेम्स, मेरे को लगता है कि टॉप नॉच रियल एस्टेट कंपनीज जिस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिली है, समझ गया सर, लोग समझ गए, परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी पंगा जी, लोग समझ गए. इसलिए डिस्क्लेमर है, किसी भी स्टॉक का नाम अगर इस चर्चा में आ रहा है तो उसका स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर यह है कि आप कोई भी एक्शन करने से पहले अपने सलाहकार से जरूर पूछ लें, क्योंकि यहाँ कोई बाइसल रिकमेंडेशन नहीं, केवल डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. तो जो हम लोग इशारे में बात करें तो लोग समझ गए कि वो गुड़गांव की कौन सी कंपनी. एनीवे हमारे पास दो तीन मिनट है, मुझे क्विकली चाहिए, 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है, आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे. मेरा एक सवाल है, उसको पहले जवाब दीजिए, कौन सी फिल्म देखेंगे, डंकी या सलार, बताइए सुदीप जी, या कुछ और करने का इरादा है? सर आपका म्यूट पे है, पहले अनम्यूट करिए. डंकी देखेंगे जरूर, ये डेफिनेटली राजकुमार हिरानी जी का मूवी है, हमेशा उनका मूवीज बहुत अच्छा रहा है, तो जरूर डंकी देखेंगे. और मैं तो कल जा रहा हूँ जगन्नाथ जी का दर्शन करने पूरी, वहीं देखेंगे जी, वहीं पे देखूंगा, भुवनेश्वर पे देखूंगा और पुरी में दर्शन करूंगा. वेरी नाइस. जसप्रीत सर आप क्या देखेंगे, क्या करेंगे, डंकी सलार या कुछ और? ब्रेक लेंगे सर, किंग खान का हो गया अभी, मतलब दो मूवीज देख ली, फर्स्ट डे फर्स्ट शो टाइप्स, अभी वो पठान और उनकी जवान, तो आई थिंक इट्स इनफ प्रभास, इनफ. हां तो अभी ब्रेक लेते हैं, देयर इज इनफ इनफ ऑन ओटीटी सर, इतना एक्शन ओटीटी पे हो रहा है, यू नो एवरी वीक यू गेट चॉइस, तो जस्ट लेजी लेजी आफ्टरनून. सर आप बिल्कुल मेरी तरह आराम करो घर में और ओटीटी पे लगाओ, बहुत ढेर सारा कंटेंट पड़ा, कुछ भी देखो, बस सही याद. अनुराग जी आपके यहाँ भी रिलीज हो रही है अमेरिका में दोनों, या कुछ और? ऐसे आपके तो क्रिसमस की धूम होगी, उधर चले जाएंगे आप कहीं पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो दोनों है, तो मूवीज में तो देखिए जो नेटफ्लिक्स में आएगी फ्री में वो देखेंगे और... ये फ्री में देखेंगे, अरे नेटफ्लिक्स का भी तो पैसा लग रहा है भैया. नहीं आ रही है लेकिन बड़ा शिकागो में आई थिंक धूमधाम काफी रहती है क्रिसमस की, तो आई थिंक वो उसमें ट्रेवल में आई थिंक वी विल गो एंड सी प्लेसेस, काफी चमक धमक रहती है उस टाइम पे, तो आई थिंक इट इज गुड टू सी. पंकज जी आपका प्लान क्या है, मूवी घूमना फिरना, 3 दिन छुट्टी, आप शिमला भी जा सकते हैं. नीरज जी हमारे बच्चे के अभी सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुए हैं कल ही, तो एक दिन के शॉर्ट ट्रिप पे जाएंगे समवेयर नियर बाय, मे बी जयपुर और आगरा, और जो 3 दिन का वीकेंड आई थिंक दिल्ली में बड़ा अच्छा कूल वेदर हुआ हुआ है, तो अच्छे जो एक जो हमारे मॉर्निंग वॉक्स आई थिंक जो काफी कर्टेल हो गए थे बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, आई थिंक इस 3 दिन में अच्छे अच्छे गार्डन, बहुत अच्छे गार्डन कैचअप करेंगे, और ताकि हमारे जो आईफोन में या आई वॉच में वो कैचअप हो जाए कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो होंगे पिछले 1 महीने के, तो आई थिंक विल एक्सटेंडेड विल एंजॉय डेली वेदर और एक दिन कहीं हॉलीडे पे जाएंगे एंड टाइम मिला तो जरूर आई थिंक डंकी एज अ मूवी भी कहीं ना कहीं एजेंडा पे है. बिल्कुल, और मुंबई में 6-7 हफ्तों का मौसम बहुत अच्छा होता है जो शुरू हो चुका है, तो जिन लोगों को छुट्टियां नहीं मिलती है, काम में मशरूफ रहते हैं, वो बहाना बनाते हैं कि मैं तो इधर ही रहूंगा, मैं उनमें से एक हूं, तो मैं मुंबई में ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा. हाँ ओटीटी वगैरह कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग जरूर देखूंगा मैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सब लोगों का, एंजॉय करिए वीकेंड, हेल्दी रहिए और मस्त रहिए. बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक